गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कि पहले हमने किया था नेचर एंड स्कोप ऑफ हिस्ट्री, फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक किया था हमने हिस्टोरिकल फैक्ट किए थे, उसके बाद आज हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, जिसका टॉपिक का नाम है हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस। जहां ऐसे करके भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री। ऑब्जेक्टिविटी का हिंदी में मीनिंग है वास्तुनिष्ठता, के मतलब आपको जैसे माध्यमिक में करवाती हूँ इसी तरह मोल्डो के क्वेश्चन आता है कि प्रॉब्लम्स ऑफ द बायसनेस इन हिस्ट्री। जो वास्तुनिष्ठता और पक्षपात है वो दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, दोनों के बीच जो मैटर है वो सेम ही रहेगा, फिर भी हम इनको अलग अलग करेंगे। तो जैसे कि आप बच्चे जानते हैं कि हम आपको जैसे क्वेश्चन नहीं आते, दो तरह के पेपर आते हैं। कई बार कोई किसी पेपर में वो आपको लिखा होता है कि आपने ऑब्जेक्टिव आंसर देने हैं, किसी में लिखा होता है कि सब्जेक्टिव आंसर देने हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको हम वास्तुनिष्ठ कहते हैं और जो सब्जेक्टिव होते हैं उनको हिंदी में विषयनिष्ठ कहते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होता है और उसके चार ऑप्शन होते हैं। कोई भी मतलब आपका जो पेपर होता है, जो आपके लिए पेपर देती हूँ, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि एक ऊपर क्वेश्चन लिखा, नीचे चार ऑप्शन है, उनमें से आपने एक जो ऑप्शन आपको सही लगती है उस पर आपने टिक करना होता है। तो वो कौन से क्वेश्चन होते हैं? ऑब्जेक्टिव। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा है? ऑब्जेक्टिव मतलब टू द पॉइंट लिखना, के मतलब इसमें कोई भी हेर फेर नहीं। और जो सब्जेक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। जैसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें विषयनिष्ठता होती है, तो जो आपके जैसे आप एमए कर रहे हो तो आपके कौन से क्वेश्चन आते हैं? सब्जेक्टिव आते हैं कि आपको क्वेश्चन पूछा उसके बारे में आपने दो तीन पेजों में 500 शब्दों में 800 शब्दों में उत्तर देना, तो वो कौन से क्वेश्चन हो गए? विषयनिष्ठ हो गए कि आपने विषय के बारे में डिटेल में लिखना है। तो इसमें क्या है, इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिविटी। तो इसके बीच आपको डिफरेंस, जो डिफरेंस था वो मालूम हो गया कि सब्जेक्टिविटी क्या होती है और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। सब्जेक्टिविटी होती है जिसमें टू द पॉइंट आंसर देना, और जो ऑब्जेक्टिविटी होती है उसमें होता है कि उसके बारे में हम डिटेल में अपनी तरफ से लिखते हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे जो इतिहास में वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है। तो इसने लिखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो का, क्योंकि मैंने ये जो मीनिंग है वो हमने नेट से लिया है। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि व्यक्ति को कोई निर्णय करते समय, कि व्यक्ति को कोई भी निर्णय, के मतलब जो भी वो फैसला लेने जा रहा है, जब कोई निर्णय करने जा रहा है कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए, कि उन सभी पक्षों से, उन सभी प्रभावों से मुक्त होना चाहिए जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है, जो मतलब उसके मन में। व्यक्तिगत चेतना, चेतना क्या होती है? मन में, जो उसके दिमाग में मन में शामिल है उन सभी आधारों से मुक्त होना चाहिए। वो कौन से आधार है जिनसे मुक्त होना चाहिए? जब एक इतिहासकार इतिहास लिखने का कार्य करता है तो उसको किन चीजों से मुक्त होना चाहिए कि उसका जो क्वेश्चन है या उसका लेखन कार्य है वो ऑब्जेक्टिव या वास्तुनिष्ठ हो सके। जो उसकी व्यक्तिगत चेतना में शामिल है, जैसे कि उसकी विचारधारा, उसकी कल्पनाएं, उसका दृष्टिकोण, उसका पूर्वाग्रह और मान्यताएं। कि मतलब मान लो जैसे मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ कोई भी, जहां कोई इतिहास लेखन कार्य कर रही हूँ, तो मेरे बीच इन सभी चीजों का अभाव होना जरूरी है। अगर मैं कोई भी लेखन कार्य कर रही हूँ उसमें मैं अपनी ही विचारधारा भी थोप दू, उसमें जो मेरे मन में कल्पना आ रही है उसकी मैं लिखना शुरू कर दू, उसके बाद मैं अपने दृष्टिकोण से मतलब अपने अकॉर्डिंग लिखू, तो क्या मैं वास्तुनिष्ठ लिख रही हूँ या विषयनिष्ठ? मैं विषयनिष्ठ लिख रही हूँ, क्योंकि वास्तुनिष्ठता का मतलब है टू द पॉइंट लिखना। तो मैं क्या कर रही हूँ? अपनी विचारधारा, अपने दृष्टिकोण से, अपनी मान्यताओं के अकॉर्डिंग लिख रही हूँ। तो ये क्या है? विषयनिष्ठ है, परंतु हमारा क्वेश्चन तो वास्तुनिष्ठ है। अगर हम जो इतिहासकार इन चीजों को इग्नोर करके लिखेगा तो वो कैसा जो लेखन करेगा? वास्तुनिष्ठ करेगा। यहाँ तक समझ आ गई?
कहा जाता है, तो वो उसकी कंपैरिजन किसके साथ करते हैं? विज्ञान के साथ, साइंस के हिस्ट्री की एज ए साइंस है कि जैसे विज्ञान में कोई भी वैज्ञानिक कोई रिसर्च करता है या एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका जो रिजल्ट आता है अगर वो सत्यता पर आधारित है तो जो दूसरे वैज्ञानिक है उसके कथन को या उसके रिजल्ट को स्वीकार कर लेते हैं। तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास भी विज्ञान की तरह है, इसमें भी जो रिसर्च की जाती है उसको भी सारे इतिहासकारों द्वारा मानना चाहिए क्योंकि इसमें वैज्ञानिक विधा की प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधा का। परंतु बहुत सारे ऐसे भी इतिहासकार हैं जो इतिहास को विज्ञान नहीं मानते क्योंकि उन्होंने अपने पक्ष में कहा है कि जो विज्ञान है उसमें क्या है, किसी भी चीज पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, किसी वस्तु पर, किसी भी कार्य पर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हर परिस्थिति में सेम रहता है। कि आपने विज्ञान की लेबोरेटरी में कोई भी प्रयोगशाला पर में क्या एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया है, जैसे कि लोहे पर किया है, पानी पर किया है, पारे की धातु पर किया है फॉर एग्जाम्पल, तो आपने अगर लोहे पर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया आज किया तो उसका रिजल्ट क्या आज भी सेम है? आप एक महीने बाद उसी लोहे पर एक्सपेरिमेंट करोगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप एक साल बाद या 10 सालों बाद वही एक्सपेरिमेंट करोगे तो उसके जो रिजल्ट है वो सेम टू सेम रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है परंतु रिजल्ट उनके सेम ही आएंगे। तो दूसरी तरफ हम मानते हैं कि इतिहास का क्या है, इतिहास में ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि जो हमारा रिजल्ट है वो सेम रहे क्योंकि इतिहास हर युग में बदलता रहा है क्योंकि जब मनुष्य बदल गया समाज बदल गया और तो इतिहास भी बदलता है। जैसे कि प्राचीन काल में जो मनुष्य का रहन सहन था, वो वेशभूषा था, वो किस तरह थी, मध्यकाल में किस तरह थी और आज हम अपने जीवन को देखें तो जो हमारा जीवन है, हमारा रहन सहन है, हमारी वेशभूषा, उसमें भी बहुत अंतर आ गया है। तो एक तरह हम इतिहास का जो विज्ञान के साथ कंपैरिजन या तुलना नहीं कर सकते। तो वही इतिहासकार जो कहते हैं कि इनकी जो तुलना कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो दोनों तरह के इतिहासकारों के बीच मतभेद बना हुआ है, परंतु फिर भी हम कहते हैं कि इतिहास को हम वास्तुनिष्ठ नहीं बना सकते क्योंकि इसको वास्तुनिष्ठ बनाने के लिए हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है जो इतिहास में उनकी कमी पाई जाती है। तो इतिहास में बहुत सी मुश्किलें हैं जिसके कारण इतिहास को हम वस्तुनिष्ठ इतिहास का दर्जा नहीं दे सकते। वो कौन कौन सी समस्याएं हैं जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में आती हैं, अब हम उनको डिटेल में करेंगे। जहां तक आपको क्लियर हुआ, नेक्स्ट हम करते हैं कि समस्याएं कौन सी है। तो नेक्स्ट हम करते हैं कि जब हम इतिहास में वस्तुनिष्ठता का जब कोई इतिहासकार प्रयोग करता है तो उसको कौन कौन सी समस्या आती है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की कौन कौन सी समस्याएं हैं। इसमें सबसे पहले करेंगे वस्तुनिष्ठता की कल्पना क्या है इतिहास में व्यर्थ है, क्या है इतिहास में वस्तुनिष्ठता की कल्पना व्यर्थ है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों के बीच ये विवाद चल रहा है, एक गंभीर चर्चा का विषय बन चुका है। जो इतिहासकार है वो जब अतीत का चित्रण करता है तो उसमें वही जो हमने अर्थ में किया था कि उसमें क्या प्रयोग करता है, अपने वो दार्शनिक विचारों का विवरण करना शुरू कर देता है, अपने दृष्टिकोण का, अपने संस्कारों का, अपनी मान्यताओं का जब वो विवरण करना शुरू कर देता है अपने इतिहास लेखन कार्य में तो जो इतिहास में वस्तुनिष्ठता की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती है। इसके अलावा का यदि हम उनके मान लेते हैं कि जो बहुत सारे इतिहासकार हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स हो गया, स्पेंडलर हो गया, इसके अलावा कार्ल मेन ही उन्होंने अपने विशेष दृष्टिकोण से जो अतीतकालीन घटनाएं थी उनका विवरण दिया था। जैसे कि कार्ल मार्क्स के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि जब वो इतिहास के बारे में उसने इतिहास लेखन कार्य लिखा या अपनी बुक्स लिखी थी तो उन्होंने इतिहास के सिर्फ एक ही पक्ष पर सबसे ज्यादा जोर दिया था जो इतिहास का आर्थिक पक्ष था कि उसने सिर्फ पैसे धन या इतिहास में
समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में ही लिखा था। तो इस तरह की जो इतिहास में हम वस्तुनिष्ठता की कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि जो इतिहासकार है वो अपने दृष्टिकोण का, अपनी मान्यताओं का, अपनी विचारधाराओं का जब प्रयोग करता है तो वस्तुनिष्ठता इतिहास में नहीं आ सकती। नेक्स्ट पॉइंट है मानव का सामाजिक प्राणी होना। जैसे कि हम जानते हैं कि जो मानव है वो समाज में रहता है, समाज के बिना हम मानव के सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम इतिहास किसका लिखते हैं, मानव का इतिहास लिखते हैं। हमने आज तक मानवीय इतिहास को ही पढ़ा है कि मानव के, जैसे कि हेनरी क्रेन ने एक अपनी कोटेशन भी दी थी कि जो इतिहास है वो मानव के कार्य और उपलब्धियों की कहानी है। तो जब अतीत का निर्माण भी हम कह सकते हैं कि इतिहास में ही अतीत का जन्म होता है, अतीत का पालन पोषण होता है, उसका विकास भी मानव की तरह समाज में ही होता है। तो जो इतिहासकार होता है वो भी क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। तो जो जब वो इतिहास लेखन कार्य करेगा तो क्या है, उस पर समाज का, उसके संस्कारों का, समाज में जो रीति रिवाज मान्यताएं उनका प्रभाव पड़ेगा। तो सामाजिक प्राणी होने के कारण वो क्या हो जाएगा, पूर्वाग्रह या पक्षपाती हो जाएगा। तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं बन पाएगी, ये भी एक समस्या है। उसके बाद तीसरा आता है इतिहास में वस्तुनिष्ठता का जो प्रयास है वो संधिगत है, क्योंकि जब इतिहासकार है वो जब ऐतिहासिक तथ्यों का चयन तो कर लेता है परंतु जब उनका वो प्रयोग करता है तो वो क्या करता है, वो उन तथ्यों का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत रुचि, अपनी विचारधारा, इसके अलावा वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार करता है। आप मान लो कि आपने इतिहास लिखना है, अगर आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम इतिहासकारों जैसा इतिहास नहीं लिख सकते। आप हिंदुओं की विरोधी भावनाओं का विवरण कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन आपको ऐसा करने के लिए नहीं करने देगा। इसके बाद आर्थिक परिस्थितियों की बात करें कि आपको डेटा इकट्ठा करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ रहा है, आपका बहुत पैसा खर्च हो रहा है, तो क्या है दूसरी ओर क्या आपको नजदीक पास की लाइब्रेरियों से इतिहास के लिए डेटा तो मिल रहा है परंतु वो अच्छा नहीं, तो वो आप दूर जाने के बजाय अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम नजदीक वाला डेटा ही कलेक्ट करेंगे चाहे वो अच्छा हो या ना हो, तो आर्थिक स्थितियां भी प्रभावित करती है। तो इसके कारण भी जो इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता की कमी या अभाव पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना है, जिसको अपन ये पहले पॉइंट के साथ ही मिलता जुलता पॉइंट है कि जो वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना हम इतिहास में नहीं कर सकते, क्योंकि जो इतिहास है वो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता रहता है। जो प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन था वो मध्य युग में नहीं था, जो मध्य युग में था वो आज आधुनिक युग में नहीं है। तो परंतु जो दूसरी साइड हम वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की बात करें तो जो विज्ञान में जो रिजल्ट एक बार आ गया उसमें 1 or 2% का डिफरेंस हो सकता है परंतु 100% का नहीं हो सकता। तो जो विज्ञान के नतीजे वो हर हालातों में एक ही रहते हैं, चाहे जितना समय या टाइम पीरियड कितना भी उनके बीच गैप पड़ जाए, परंतु जो इतिहास है उसमें जब गैप पड़ गया तो वो क्या है, इतिहास के लिए वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए इतिहास में हम वस्तुनिष्ठता की कल्पना नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जो दास प्रथा थी वो क्या थी, जो प्राचीन काल में क्या थी, एक उस माल की आवश्यकता के अनुसार जरूरी मानी जाती थी, क्योंकि उस समय जो शासक थे वो दास रखना अपना शौक समझते थे, अपना मान समझते थे। परंतु आज क्या हमारे समाज में दास प्रथा है, आज हम इसको एक शराब समझते हैं, इसको अभिशाप माना जाता है। तो इस तरह भी जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है तो इतिहास बदलता है, तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता की कमी रहती है। नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक तथा सर्वयोगी नहीं होते। वही सेम पॉइंट के जो विज्ञान के नतीजे या साइंस के जो रिजल्ट आते हो वो सार्वभौमिक होते हैं, कि एक बार जो रिजल्ट आ गया सो आ गया और सर्वयोगी के युगों तक वो चलते रहते हैं। परंतु दूसरी साइड इतिहास में ऐसा नहीं होता, ये भी इतिहास के ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए एक मुसीबत या समस्या है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इतिहासकार का पूर्वाग्रही होना, कि जब इतिहासकार इतिहास की रचना करना है तो वो क्या होता है, अपने समाज, अपने धर्म, अपने रीति रिवाजों से, अपने व्यक्तिगत जीवन से प्रेरित होकर इतिहास लिखता है। तो जब वो पक्षपात करता है
तो क्या है, इतिहास में हम वस्तु निष्ठा की कल्पना नहीं कर सकते। आज नहीं, कल हम इसी को नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।